राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में तीन तलाक का मामला आया सामने। पीड़ित मुस्लिम महिला ने बस्सी थाने में 9 दिसंबर को पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ मामला कराया था दर्ज। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस की जांच नहीं हुई पूरी। पीड़ित महिला 3 वर्षीय नाबालिग मासूम बच्ची को लेकर थाने और एसपी कार्यालय के लगा रही है चक्कर। दोषी कब जाएंगे जेल? महिला और उसकी अबोध मासूम बच्ची को इंसाफ का है इंतजार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बस्सी में एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने 3 तलाक लिखकर नोटिस देकर तलाक दे दिया। इंसाफ के लिए एक लाचार नारी 3 साल की बच्ची को गोद में लेकर बस्सी थाने व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हो रही है। लेकिन थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठे अधिकारियों को उस लाचार और मजबूर महिला और उसकी बच्ची की वेदना सुनाई नहीं दे रही है। जहां न्यायालय और सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, सुरक्षा के नाम का दम भरती है। 3 तलाक लव जिहाद पर कड़े कानून बना दिए गए हैं, लेकिन थाने में बैठे पुलिस अधिकारी सहित आला अधिकारी अनजान बने हुए हैं। तो आखिरकार इस नए कानून की पालना कराएगा कौन? मामला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी कस्बे का है। महिला का निकाह 29 फरवरी 2016 को बस्सी निवासी सरफराज अहमद पिता अबरार कुरैशी के साथ हुआ था। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की खास रिपोर्ट। आइए सुनते हैं पूरा मामला। क्या नाम है आपका? उषा जी, बताए, 3 तलाक को लेकर आपके बस्सी क्षेत्र का मामला है, क्या हुआ आपके साथ 3 तलाक को लेकर, 3 तलाक वाले मामले में, थोड़ा विस्तार से बताइए। सर, मेरा नाम गौसिया बानो, पिता अब्दुल मजीद कुरैशी। मेरा निकाह 2016 में सरफराज अहमद के साथ हुआ था बस्सी में। मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हमारी शादी हुई। शादी के टाइम से ही हम साथ में रह रहे हैं। शादी के 6 महीने तक हम दोनों मियाँ भी एक साथ सही सही रहे थे, बिल्कुल अच्छे से रह रहे थे। उसके 6 महीने बाद ही मेरे सास ससुर, मेरी ननद, मेरे मामे ससुर फरशुद्दीन, इन सब के, मेरे हस्बैंड सरफराज अहमद, ये सब मुझे तंग परेशान करने लग गए। आए दिन परेशान करते थे कि दहेज लेके आओ या पैसे लेके आओ अपने पापा से। तो मतलब सर, मैं पैसे लाने की कंडीशन में नहीं हूँ, मैं इनको कुछ भी पैसे नहीं ला के दे सकती। ये इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मतलब मैं पैसे ला के नहीं दे सकती हूँ। तो ये मुझे बार बार मारपीट करना, गाली गलौज करना, आए दिन परेशान करते थे कि तेरे पापा से पैसे लेके आ, पैसे नहीं लाएगी तो तुझे तलाक दे देंगे, तुझे नहीं रखेंगे, तुझे छोड़ देंगे, तुझे घर से निकाल देंगे। आए दिन परेशान करते। जब मैं साफ मना कर देती तो सरफराज अहमद मुझे मारता पीटता, मेरे साथ गाली गलौज करता। सर, शादी के साल भर बाद ही मेरी एक लड़की भी हुई है। उस लड़की का नाम है शबी फातिमा। सर, लड़की भी 6 महीने की थी, तब भी मैं बहुत परेशान थी। मतलब शादी के 6 महीने बाद से मैं परेशान हूँ, लेकिन लड़की 6 महीने की हो गई तब तक भी ये लोग बिल्कुल भी मुझे परेशान करना बंद नहीं हुए। तब 2018 में भी मैंने इनके खिलाफ केस दायर करवाया था बस्सी थाने में ही। वहाँ मैंने रिपोर्ट लिखवाई, उसमें मैंने यही लिखवाया था कि सर, मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे ढंग से रहने नहीं दे रहे हैं, आए दिन पैसों की मांग कर रहे हैं। और सरफराज अहमद बोलता है कि तेरा कोई अश्लील वीडियो है मेरे पास, वो मैं पूरे सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर दूंगा, तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, तुझे पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा अगर तू मुझे पैसे ला के नहीं देगी तो। सर, सरफराज अहमद मेरी कंडीशन अच्छे से जानता है कि मैं उसे पैसे या कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मामे ससुर फरशुद्दीन, मेरे ससुर अबरार अहमद, मेरी सास, मेरी ननद और मेरे हस्बैंड सरफराज अहमद आए दिन मेरे साथ मारपीट करना, मेरे को परेशान करना। सर, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से मुझे प्रताड़ित किया जाता रहा है। सर, 2018 में जब रिपोर्ट लिखवाई तो उसमें भी ये लोग मुझे बेला फुसला के राजीनामा करवा लिया। और मैंने भी सोचा कि चलो, मेरे एक लड़की है तो मैं अपना घर परिवार बचाऊं और इसको अच्छे से चलाऊं, तो इस वजह से मैंने राजीनामा कर लिया था। राजीनामे के बाद कुछ टाइम तो ये लोग सही रहे मेरे साथ, शायद 2-3 महीने ये मेरे साथ सही रहे, कोई मारपीट भी नहीं की थी 2-3 महीने तक। और उसके बाद सर, 2-3 महीने बाद वापस इनका यही मतलब रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला। ये बिल्कुल बदलने को तैयार नहीं थे, आए दिन मारपीट करते रहते थे पैसों को लेकर, और आए दिन परेशान करते थे। और सरफराज आए दिन मुझे परेशान करता था कि अगर तू पैसे ला के नहीं देगी तो तेरा वीडियो अब मैं वायरल कर दूंगा, बहुत दिन हो गए तेरे को देखते देखते, तू मुझे पैसे ला के नहीं दे रही है, मुझे परेशान कर रही है, मैं पैसे नहीं दे रही है मुझे, मैं पैसों से परेशान होता हूँ, तू मुझे पैसे ला के नहीं देती है। मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें कहाँ से पैसे ला के दूँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी चाहिए।
तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हो, मेरे बच्चे का मेरा भरण पोषण नहीं कर रहे हो, मुझे और मेरे बच्चे को सरकार जमीन बिल्कुल भी खर्चे के पैसे नहीं देता है सर। फिर भी मैं वहीं रहती हूँ, मैं अपना परिवार बचाना चाह रही हूँ। मैंने कभी तलाक का जिक्र नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 3 नवंबर को मेरी ननद की शादी थी सर। शादी के 7-8 दिन पहले इन्होंने मुझे डराया धमकाया कि तू 50,000 रुपये ला के दे तेरे पापा से, वरना तुझे तलाक दे देंगे। मैंने पापा को बोला तो पापा ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, तेरे को सिर्फ डरा रहे हैं और तू टेंशन मत ले, तू आराम से रह। मैं गई, मैंने मना कर दिया, मेरे को कोई पैसे वैसे नहीं है, आप मुझे परेशान मत करो और आप मुझे रहने दो। तो इन्होंने मुझे साफ धमकाया और बोला कि शादी के बाद तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा और तुझे पैसे नहीं ला के देगी तो तुझे तलाक दे दूंगा और तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। सर मैंने उस टाइम भी मेरे मामे ससुर और मेरे ससुर के सामने मैंने बहुत मिन्नतें की। मैंने कहा आप मुझे इस तरीके से परेशान मत करो, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मुझे तलाक मत दिलवाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे रहना है यहीं पे और मैं मेरे पति के साथ रहना चाहती हूँ। तो इन मामे ससुर और फशुद्दीन और मेरे ससुर अब्रार अहमद बोलता है कि अगर पैसे ला के नहीं देगी तो तेरा तलाक तो फिक्स है, तेरा तलाक तो हम दिलवा के रहेंगे, सरप्राइज की तो हम दूसरी औरत लेके आ जाएंगे। मैंने कहा मेरा जीवन बर्बाद करो, मेरे साथ मेरी बच्ची का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग को लगा के सोचो कि मेरा और मेरी बच्ची का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप क्यों मेरा जीवन बर्बाद करना चाहते हो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मिन्नतें करती हूँ, आप मेरा जीवन बर्बाद होने से बचा लो, मत मेरा जीवन बर्बाद करो। तो इन्होंने साफ मुझे सरप्राइज को बोला कि इसको मार पीट चाहे कुछ भी कर, अगर ये पैसे ला के नहीं दे तो मैंने इसको मार कुछ भी कर लेकिन इससे पैसे मंगवा। मैंने साफ मना कर दिया, बड़ी मुश्किल से मैं सर वहाँ रह रही हूँ लेकिन फिर भी ये नहीं मानते हैं। सर 6 दिसंबर को जब मैं ससुराल में ही थी वहीं रह रही हूँ लेकिन वहाँ रहते रहते ही सर 6 दिसंबर को मेरे पास एक पोस्ट के द्वारा एक नोटिस आता है और उस नोटिस को देख के सर मेरे पाँव नीचे जमीन खिसक जाती है सर। उसमें 3 तलाक लिखा हुआ था सर, मैं देख के हैरान रह गई सर, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि मैं अभी तक भी खुद को संभालने की कंडीशन में नहीं हूँ। सर सरप्राइज अहमद सर 6 तारीख को नोटिस आया, तब से सरप्राइज अहमद घर पे नहीं आता है, घर पे नहीं आ रहा है सर। मैं बड़ी मुश्किल से दिन निकाल रही हूँ, मैं मेरे और मेरे बच्चे के खर्चे के लिए बहुत परेशान हो रही हूँ। सर मैंने 9 तारीख को बस्ती थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि सर थानेदार को मैंने जाके रिपोर्ट लिखवाई, उस रिपोर्ट में लिखवाया कि सर मेरे साथ नोटिस आया है मेरे पास और इसमें 3 तलाक का मामला है सर, मैं तलाक नहीं चाहती हूँ और आप सरप्राइज के खिलाफ कोई कार्रवाई करो, ये मेरे मामे ससुर फशुद्दीन और अब्रार अहमद के खिलाफ, इन तीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई करो, इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ साजिश रची और मुझे तलाक दिया है। तो सर एफआईआर देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है बस्ती थाने से। सर जब मैंने वापस पता किया, थानेदार से पूछा कि सर आप मेरे केस में क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई तो चल रही है लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ हुई नहीं है सर। केस 9 तारीख को केस हुआ था, उसके कुछ टाइम बाद इन्होंने उन तीनों को बुलाकर मुचलका जमानत पे छोड़ दिया। सर उन्होंने मेरे और मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और सरफराज और फशुद्दीन और अब्रार अहमद इन तीनों ने मिलकर पुलिस वालों के साथ पता नहीं क्या किया सर, ये तीनों मुचलका जमानत पे छूट गए और मेरा समाज में रहना मुश्किल हो रहा है। सर समाज वाले भी मुझ पर दबाव बना रहे हैं, मैं वहाँ रहने की कंडीशन में भी नहीं हूँ और सरफराज खर्चे पानी का कुछ भी पैसा नहीं देता सर। मैं कैसे दिन निकाल रही हूँ मैं कुछ नहीं बता सकती आपको। इस टाइम पे मैं मेंटली और फिजिकली बहुत ही परेशान हूँ सर। सर बस्ती थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आज मैं एसपी साहब के सामने ज्ञापन देने जा रही हूँ और उसमें मेरा यही कहना है कि मेरे हस्बैंड सरफराज अहमद और मामे ससुर फशुद्दीन और मेरे ससुर अब्रार अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए और मुझे और मेरे बच्चे को मेरा पूरा हक दिलवाया जाए। बस्ती में ट्रिपल तलाक का कोई मामला आया है सर, एक हकीकत में है क्या? हाँ, बस्ती थाने में ट्रिपल तलाक का एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो एक मुस्लिम लेडी ने अपने पति और ससुर मामे ससुर के विरुद्ध दर्ज करा है, उसमें अभी अनुसंधान चल रहा है। जी सर, वो जान कर आज 15 दिन हो गए, 15 दिन में अभी तक कोई सामने चीज आई नहीं है और महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, ससुराल वाले बराबर प्रताड़ित कर रहे हैं, थाने वालों ने उनको बुला के पाबंद करके छोड़ दिया, उसके बावजूद भी रुकी हुई स्थिति नहीं। थाने वालों ने पाबंद करा होगा तो 151 में या 107(16)(3) में पाबंद किया होगा, मुकदमे में तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर इन्होंने लेडी ने वर्ष 18 में भी मुकदमा दर्ज कराया था 498-406 का, जिसमें 5 मुलजिमों को चालान किया गया था, फिर कोर्ट में इनका राजीनामा हो गया था। कोर्ट में राजीनामा होने के बाद वापस ये लोग साथ रह रहे थे,
अब इन्होंने जो दोबारा मुकदमा दर्ज करा है उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पाबंद कराने की कार्रवाई का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पाबंद अगर हुए होंगे तो मेरा अनुमान है या तो 151 या 107(16)(3) में पाबंद हुए होंगे। सर अभी जो नया कानून आया उसमें क्या प्रावधान है अगर इस तरीके का कोई करता है? अगर कोई ट्रिपल तलाक बोल के तलाक देता है मौखिक लिखित सोशल मीडिया से कैसे भी, तो वो कानूनी जुर्म है, कानूनी अपराध है, तो उसमें ये चीज़ नहीं की जा सकती है। बाल अनुसंधान यदि पाया जाता है कि इन्होंने ट्रिपल तलाक बोल के इस तरह से तलाक देने की कोशिश की है, तो अनुसंधान के बाद में सही पाने पर उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और फिर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सजा का प्रावधान कितने साल का है? सजा का एकदम से मुझे ध्यान नहीं है, पर सेक्शन मुझे, हाँ।